हेलो मिस्टर मिसेस सिन्हा, के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज क्या है सिन्हा जी? आज इंडिपेंडेंस डे। हाँ, 15 अगस्त है आज, तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। और हम लोग ने ये झंडा लिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसको मैं अच्छे से लगा देती हूँ और देखिए फैन चल रहा है तो बहुत अच्छे से हम लोग का भी झंडा फर गया है। तो आज हम लोग सोचे कि एक मैसेज भी देना चाहते हैं इससे हम लोग कि आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को ये है कि जो भी घर की बेटी है बहू है वो सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। कुछ दिन से ये न्यूज़ आ रहा है कि 12 साल की लड़की है या 6 साल की लड़की है बाहर गई, उनके साथ कुछ दुर्घटना घट गई, दुष्कर्म, ऐसा घटना बार बार रिपीट हो रहा है। जो भी लोग हैं ऐसा काम ना करें। हाँ, अपने घर को जैसे आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हैं उसी तरह आप बाहर जितनी भी लेडीज है बहन है सबको आप उसी तरह को रिस्पेक्ट दीजिए। दो न्यूज आया हुआ था, एक मुंगेर का न्यूज आया हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ 3 साल या 6 साल की लड़की थी उसके साथ रेप केस हुआ है, और एक लड़की थी पटना की जिसको दहेज के लिए मार दिया गया कि उसके हो सकता है उसके फैमिली वाले नहीं दे पाए होंगे चाहे जो भी रीज़न था, तो दहेज नहीं, ये बहुत गलत बात था। ये सारी चीज़ गलत है। आप एजुकेशन को इतना बढ़ावा दे रहे हो तो ये सारा काम करना तो बहुत ही गलत है। तो आज के दिन हम लोग ये प्रॉमिस कभी नहीं होना चाहिए हमारे देश मतलब, में आई मीन टू से कि आप लोग भी हम लोग के साथ प्रॉमिस कीजिए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, आप लोग ये हम लोग के साथ प्रॉमिस कीजिए कि आने वाले टाइम में आप लोग हर एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा कि हमारे यहाँ ये सारा चीज़ जो हो रहा है या रेप केस बढ़ रहा है या दहेज प्रथा बढ़ रहा है या कोई भी कारण या छेड़छाड़ हो रहा कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा तो आगे बढ़े। क्योंकि जो ये काम करते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं, जब सब लोग मिल जाते हैं तो वो खुद भाग जाएगा। इसी तरह हर चीज को हम मान्यता, अरे ऐसा हो गया लड़की का ही गलती होगा, जरूरी नहीं है कि लड़की का ही गलती होगा। हम किसी भी चीज से लड़की को जज नहीं कर सकते हैं, जैसे छोटा ड्रेस पहन रही है चाहे जो भी चीज है उसका भी मन है, उसका वो भी स्वतंत्र है। हाँ। कि एक दूसरा लोग जैसे रह रहे उसी तरह हम लोग ये सब बता रहे हैं क्योंकि आज है स्वतंत्र दिवस कि सब लोग स्वतंत्र रहे और आजाद रहे, किस कोई कैद ना रहे। और तो कहने के लिए तो हम सब आज़ाद हैं, हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि सब आज़ाद है, क्योंकि जब इतना गलत सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास ही, भले हमारे साथ नहीं हो रहा है, इनके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन किसी के साथ समाज में तो ऐसा हो रहा है ना, तो ये गलत चीज़ आप लोग इतना एडुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो तो आप लोग प्लीज़ एडॉप्ट करो अच्छी चीज़ों को, गलत चीज़ क्यों अपने समाज में लाते हो। तो यही सब हम लोग का कहना था, हम लोग का यही संदेश था। और एक और संदेश है कि अब रक्षाबंधन भी आने वाला है। ये संदेश नहीं है, ये सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है। संदेश तो जो हम लोग दिए वो संदेश था। हाँ। ये सेलिब्रेशन है कि अब रक्षाबंधन भी आने वाला और बहन की राखियां भी आना शुरू हो गई है, कुरियर आ चुका है। हाँ। और मैं भी अपने भाई को सबको भेज चुकी हूँ राखी, तो यही सारा। और शालिनी के एक भाई भी आने वाले हैं, शायद आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, सारा इशू ट्रेन का हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आएंगे। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सॉरी गाइस, काफ़ी दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि शालिनी का एग्ज़ाम चल रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि शालिनी पढ़ाई कर रही है। हाँ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मैं उस टाइम पढ़ रही थी, पढ़ते हुए वीडियो इन्होंने बना लिया था कि डाल देंगे तो बहुत व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम है, इसी की वजह से हम लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा था। और काफ़ी बार ऐसा हो जा रहा है कि हम लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हम लोग कंटिन्यू रखेंगे वीडियो। होता है कि काफ़ी लोग एग्ज़ाम भी चल रहा है तब भी वीडियो डाल देते हैं, लेकिन हम लोग से सारा चीज़ मैनेज नहीं हो पा रहा था, और नेट का भी इशू था वहाँ पे। बिल्कुल। तो और अशालिनी आज 15 अगस्त है तो आज क्या क्या आया है आज मॉर्निंग में? आज बुंदिया सेब और जलेबी ये सारा कुछ आया हम लोग के घर, और ये शाम में समोसा भी शायद लाएंगे। बिल्कुल। और काफ़ी हम लोग इंजॉय करेंगे स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, तो यही हम लोग का है। और ये झंडा का स्थान जो है
देख के एक पॉजिटिव फीलिंग देता है हमें। तो प्लीज़ जो हम आप लोग को संदेश देना चाहते थे और एक प्रॉमिस आप लोग से लेना चाहते थे, उस प्रॉमिस को ज़रूर आप लोग फुलफ़िल कीजिएगा। और जो फुलफ़िल करेंगे, उम्मीद करती हूँ वो कमेंट कर जरूर करेंगे कि वो मेरे इस बात से सहमत है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग को हम लोग का वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। सही। और मैं ना आपको एक चीज़ सुनाऊँगा, बहुत मोटिवेशनल है वो सॉन्ग ही। मोटिवेशनल है। सॉन्ग सुनाओगे? हाँ, सॉन्ग भी बोल सकते हैं आप, या उसको पोएम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, मैं आपको सुनाता हूँ। तो गाइज, आज अभिनीत आप लोग के सामने एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाने जा रहा है। इसको सॉन्ग भी बोल सकते हैं, पोएम भी बोल सकते हैं। ये बोलेगा इसको सॉन्ग गाने नहीं आता है। और ये लिरिक्स जो है पीयूष मिश्रा का है और काफी मोटिवेटेड फील कराता है ये वर्ड। तो आप इस वर्ड को आप सुनोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे। कोई भी काम करने जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा अपने आप ज्यादा टेंशन फील कर रहे हो, फील करोगे इस वर्ड से। आपको कहीं लग रहा है कि आप फेल कर रहे हो, कुछ आपको ऐसा लग रहा दिमाग में आ रहा, तो आप ये गाना सुनेंगे तो आप जरूर। और पीयूष मिश्रा जी का आप वहाँ जाकर आप लोग सुन, आप लोग सुन भी सकते हैं यूट्यूब पर भी। एक पंक्ति आपको सुना रहा है तो आप लोग देखिए आपको कैसा लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सब शक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भगवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही तो महान है। इसमें यही है कि जो लड़ेगा वही महान है, जो डर गया सो मर गया, जो गब्बर बोलता है। डर गया सो मर गया। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरे, ये जाके आसमान को दहाड़ दो। मौत अंत नहीं है तो इसलिए डरना डरना क्या है मौत से, मौत से नहीं डरना और हमेशा लड़ते रहना, लड़ते रहना। ठीक है। आरंभ है प्रचंड है, बोल मस्तक के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान है या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। यानी एक धनुष ऐसा चलाओ कि सब खत्म हो जाए। इमोशनल, मैं इमोशनल हो गया क्योंकि इतना मोटिवेटेड सॉन्ग है। अच्छा। तुम भी हो जाओगे, तुम गाओगी तुमको खुद फील होगा, या सुनोगी तो तुमको फील होगा। तो यही पंक्ति था जो सिन्हा जी सिन्हाने जा रहे थे आप लोग के साथ। तो आप लोग भी हमेशा देखो, जिंदगी का कोई पता नहीं होता है, इसीलिए मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत जो है वो एक जिंदगी का सत्य है। मौत अंत थोड़ी है, मौत के आप मर गए तो क्या फायदा, आपको कोई देखने आ थोड़ी आ रहा है, आप थोड़ी देखने आ रहे कि क्या हो रहा है। आदमी को मोटिवेट होके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये मौत जो है वो सत्य है, एक दिन हर किसी का आना है, तो मौत से भी नहीं डरना, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही हम लोग आप लोग को इस वर्ड से कहना चाहते थे कि कभी हार ना माने और हमेशा मोटिवेटेड रहे, मेहनत करते रहोगे तो हार मानने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। तो और आज आप लोग क्या कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग का ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आप लोग को कैसा लगा, तो हम लोग जितना हो सका आज आप लोग के साथ शेयर किए। मेरे को तो गाने भी नहीं आता, तभी मैंने गाया आप लोगों के लिए, वो भी खराब गाया। वर्ड अच्छा होता है, खराब कुछ नहीं होता है। हाँ, वही वर्ड अच्छे, पीयूष मिश्रा का वर्ड बहुत अच्छा है। वर्ड अच्छा है, तुम गायक थोड़ी हो जो गाना गाओगे। ऑब्वियसली पीयूष मिश्रा तो हो नहीं सकते हो। जिनको ये वाला देखना होगा गाना, आप लोग जाकर मैं लिंक पर भी हो सके तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सुनना हो तो। और ये झंडा सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और सिन्हा जी को भी अच्छा लग रहा है। ये झंडा को सैल्यूट, सैल्यूट करते हैं हम लोग। तो आप लोग इंडिपेंडेंट डे के दिन क्या क्या कर रहे हो आप लोग भी शेयर करना हम लोग के साथ। इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डाल दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और मैं वहाँ रील वीडियो रोज़ अपलोड करती हूँ। एग्ज़ाम टाइम में नहीं कर पा रही थी, एक ही आया था, बाकी अभी कंटिन्यू आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पर भी बने रह सकते हो। तो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय। कल फिर नए ब्लॉग के साथ।